प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, 10 अगस्त 2021 मंगलवार का दिन है, मघा नक्षत्र है और नक्षत्र के स्वामी केतु होते हैं। दर्शकों, श्रावण मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज द्वितीय तिथि भी है और चंद्रमा सिंह राशि में है और नक्षत्र से उसका अपने से दशम का संबंध बन रहा है। दर्शकों, आज एक विशेष दिन भी है, अल हिजरा यानी कि हिजरी सन का आज नववर्ष भी है। जो मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं वो लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आज उनका नववर्ष भी है। ऐसे में नए साल की शुरुआत हिजरी सन के आधार पर आज से शुरू होती है। उसके अलावा आज मंगला गौरी व्रत भी है और सिंजारा भी है। राजस्थान के अंदर सिंजारा बहुत ही अच्छे तरह से मनाया जाता है, यानी इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और अविवाहित बच्चियां अपने पति की कामना के लिए, अच्छे वर की कामना के लिए व्रत करती हैं और आज ही के दिन सावन के महीने के अंदर सिंजारा भी होता है। और इसका अर्थ ये होता है कि जो भी महिलाएं होती हैं उनके अपने पीहर पक्ष से मिठाई आती है और उस मिठाई को वो कल्प करके अपनी सास को उपहार के तौर पर देती हैं, उनका मुंह मीठा कराती हैं और घर में एक तरीके से त्योहार का माहौल होता है। ये शुभ दिन भी आज के दिन है। ऐसे में शाम के समय अपने घर के अंदर मिठाई लेकर आइए या घर में बनाइए, परिवार के सभी सदस्य उसका आनंद लीजिए और महिलाएं और बच्चियां, अविवाहित और विवाहित स्त्रियां घर के अंदर मां पार्वती की पूजा अवश्य करिए, क्योंकि मंगला गौरी व्रत अगर हो और उस दिन मां पार्वती की पूजा की जाए तो ऐसे जातक को अपने जीवन के अंदर योग्य वर अवश्य मिलता है। और जिन बच्चियों की कुंडली में भी सप्तम भाव दूषित है, विवाह में किसी तरह की कोई समस्या है, उन्हें यह मंगला गौरी व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे शीघ्र अतिशीघ्र उनके विवाह की संभावनाएं भी बनती हैं और वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन उनका अच्छा भी रहेगा। एकमात्र इतना सा आपको आज करना है, इसके अतिरिक्त कुछ भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। जो नियमित उपाय आप कर रहे हैं बस वही हमें करना है। हाँ, इसके अलावा एक चीज और है, चूंकि केतु का नक्षत्र है, मंगलवार का दिन है और यदि आपके घर के आसपास कोई स्ट्रीट डॉग्स हो तो उसे आप कुछ खाने के लिए अवश्य दे सकते हैं। मात्र इतना सा आपको करना है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।